15,000 से यहाँ पे बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनके यहाँ 15-20 लाख के तक की मशीन जो होती है, जो दोस्तों मार्केट में आसानी से नहीं मिलती है, वो दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा। आप चारों तरफ देख सकते हैं, अभी हमारे पास स्टॉक में भी अवेलेबल है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आ गया हूँ बिहार के सबसे बड़ी जो मशीन मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे आ गया हूँ दोस्तों, और इनके ऑफिस में हूँ स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री में। आज की इस वीडियो में आपको ऑफिस का व्यू दिखाने वाला हूँ, इसके अलावा वेयर हाउस है इनका वहाँ भी दिखाने वाला हूँ दोस्तों। कई लोग रोजगार करना चाहते हैं तो सोचते हैं कि कहाँ से मशीन परचेजिंग करें, कहाँ पे सर्विस अच्छा मिलेगा सर, तो आज की इस वीडियो में यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बता देते हैं स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री के बारे में, ये दोस्तों पटना में पड़ता है और मशीन की स्टार्टिंग प्राइस होती है, जो खास करके लघु उद्योग का जो मशीन होता है, रोजगार करना चाहते हैं तो सबसे कम से बात करते हैं दोस्तों 10-15 हज़ार से यहाँ पे बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनके यहाँ 15-20 लाख के तक की मशीन जो होती है, जो दोस्तों मार्केट में आसानी से नहीं मिलती है, वो दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा इनका काम है। मैं थोड़ा सा अंदर में लेके चलता हूँ, ऑफिस में दिखाता हूँ। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्ते, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अपने कंपनी के बारे में बता दें। जी मैं स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज कंपनी से बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर सेल्स मैनेजर हूँ, मेरा नाम चंचल सिंह हुआ। आज मैं आपको खास करके अपनी कंपनी में जितनी सारी मशीन आती है, छोटा से लेके बड़ा तक का, मैं आपको सारी मशीन के बारे में आपको मैं आज बताने वाली हूँ। अच्छी चीज़ें बताएं कि थोड़ा सा एड्रेस वगैरह बता दिए। स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री कहाँ पे है? मैं यहाँ कंकर बाग से बात कर रही हूँ, हमारा ऑफिस कंकर बाग में, यहाँ टेम्पो स्टैंड शिवाजी पार्क नियर अनामिका गैस गोडाउन के पास है। अच्छा एक चीज़ ये बताएं कि मैं खास करके देखता हूँ बहुत बड़ा इनका ऑफिस वगैरह भी है, वेयर हाउस भी है, तो कितना सा मशीन वगैरह स्टार्टिंग हो जाएगा, वो कौन कौन सा मशीन है, जो खास करके अगर हमारे व्यूअर रोजगार करना चाहते हैं तो किस बजट में मिल जाएगा, थोड़ा सा ये बता दें। देखिए अगर मैं मशीन की बात करूं और अगर मैं मशीन बताऊं, जितना भी बताऊं वो कम ही पड़ जाएगा। अनगिनत मशीन है हमारे पास, और हमारे पास मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक का हर प्राइस का मशीन है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये एक मशीन हमारा मिनिमम प्राइस जो आप देख रहे हैं, ये कॉटन विक्स मशीन है जिसमें रुई बत्ती बनती है। ये हमारा स्टार्टिंग प्राइस है आपका 15,000 से, ये आपका स्टार्टिंग। अच्छा 15,000 से मतलब कि मशीन स्टार्टिंग प्राइस है, तक का है? लास्ट आप हमारे 10 लाख तक का आप मशीन आप हमारे पास है। अच्छा, उससे भी ऊपर है, रिक्वायरमेंट के ऊपर है क्लाइंट का। मैं आपको अभी जो हमारे पास जो मशीन है मैं आपको दिखाती हूँ, आइए एक तो आपको मैं यहाँ से भी स्टार्ट करती हूँ। ये हमारा आ गया छोटा सा मशीन है, जिसमें आप इसको बैंड सीलर मशीन बोलते हैं, पाउच पैकिंग मशीन। अच्छा ये बैंड सीलर है? हाँ ये बैंड सीलर मशीन है, ये भी आपका मतलब छोटी छोटी चीजों पे आपने भी ध्यान रखा है। हाँ ये आपका कॉटन विक्स मशीन हो गया, कॉटन विक्स मशीन, लॉन्ग कॉटन विक्स मशीन में। और भी मैं मशीन दिखाती हूँ। सबसे पहले हमारा ये मशीन हो गया गोल गप्पा मशीन, छोटा मशीन में आपका हो गया। ये आपका गोल गप्पा है, जिसमें आप पानी पूरी वगैरह जो भी खाते हैं, ये आपका गोल गप्पा मशीन हो गया। उससे रिलेटेड फिर आपका दूसरा ये मशीन हो गया, जी ये आपका ऑटोमेटिक मशीन है, बहुत बढ़िया। ये आपका आटा चक्की मशीन हो गया, आटा और मसाला दोनों आपका एक ही मशीन। अच्छा एक ही मशीन से बनाया जा सकता है ना? ये आपका 2-in-1 है, इसमें इसको आटा चक्की मसाला मशीन, प्लोवाइजर मशीन इसे बोलते हैं। अच्छा, इसमें फिर ये आपका इससे बड़ा आ गया, ये आपका 3 HP मोटर का है, ये आपका 5 HP मोटर का है। इसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी आपका बढ़ जाता है। और भी मशीन है, आइए मैं दिखाती हूँ। ये आपका पापड़ मेकिंग मशीन हो गया, मतलब कि खाने का जो फूड आइटम में जो भी है डिमांड में रहता है ना। अभी खास कर जो अभी लघु उद्योग में जितने भी सारे उद्यमी योजना वाले का जो लोन हो रहा है, तो ये सारे मशीन का रिक्वायरमेंट है, तो ये सारा मशीन हमारे पास अवेलेबल है, जो भी जिनका जो भी रिक्वायरमेंट है। शुगर कैन मशीन है, जो हम लोग गन्ने का जूस पीते हैं, ये आपका उसी का मशीन है, शुगर कैन मशीन। मतलब कि गन्ने का जूस का भी मशीन आपको मशीन दोस्तों मिल जाएगा हमारे पास मिनिमम प्राइस से, ज्यादा हाई रेंज अच्छा, का भी नहीं है। आपको अलग से ऐसा नहीं कनेक्शन वगैरह लेना नहीं नहीं, ये जो भी सारे आप मशीन देख रहे हो, ये सारा मशीन आपका सिंगल फेज पे चलेगी। सिंगल फेज मतलब घर की बिजली से चलने वाली है, डोमेस्टिक बिजली। कुछ कुछ का रेट भी बता दे चले। हाँ, मैम सब कितने? ये आपका पास्ता मशीन हो गया। अच्छा, पास्ता जो बनाते हैं, जो पास्ता हम लोग मार्केट से परचेज करते हैं, ये आपका फुल्ली ऑटोमेटिक पास्ता मशीन है। ये आपका हो गया कम्बाइंड राइस मिल मशीन, ठीक है। इसमें 3-in-1 काम होता है, पहला आपका धान से चावल बनेगा, दूसरा आपका आप गेहूं से आटा बना सकते हो, तीसरा इसमें आप
मसाला भी बना सकते हो। इसका ज्यादा प्राइस नहीं है, ये आपका ऑटोमेटिक में 45,000 का आ जाएगा। अच्छा, मतलब 45,000 से स्टार्टिंग आ जाएगा ऑटोमेटिक में। तो ये दोस्तों देख सकते हैं, इतना तो सिर्फ मैंने आपको 6-7 में डेमो में मैं अभी दिखा रही हूँ, बस जो छोटा सा मशीन अभी हमारे यहाँ लगा हुआ है। ये आप जो मशीन देख रहे हैं यहाँ, ये हमारा कैटल फीड मशीन है, पशु चारा बनाने वाली जो मशीन है, ये आपका कैटल फीड मशीन है। मतलब कहने का मतलब कि मशीन का जो आंकड़ा अगर कहे ना पटना के अंदर में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। ऑप्शन बहुत सारा है, बहुत सारा ऑप्शन है, आपको रोजगार करना है। बहुत सारी कंपनी आप देखे होंगे, कंपनी में मशीन मिलती होगी, बट हर कंपनी में एक एक मशीन का ज्यादातर होता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे सभी तरह का मशीन है। लेकिन हमारी एक कंपनी ऐसी है जो की आपको यहाँ पे जो भी मशीन का रिक्वायरमेंट है वो सारे मशीन आपको। सबसे अच्छी बात है बजट के हिसाब से, की आपका बजट क्या है, क्या है आपका 15,000 की मशीन के बजट है तो 15,000 की भी ले सकते हैं, 25,000 का भी ले सकते हैं, 25 लाख का है तो वो भी ले सकते हैं, वो भी आप ले सकते हैं आपके बजट के हिसाब से। और भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा हो गया आपका, ये आपका हो गया मसाला मशीन का। इसके अलावा मैं आपको बता रही थी इडिबल टी कप मशीन, आजकल के टाइम में आजकल आप देखते होंगे कहीं भी कॉफी शॉप या चाय के कहीं भी शॉप पे जाते हैं तो आप चाय पियो और खा जाओ, मतलब कि जो कप होता है ना, बिस्किट जो होता है ना, बिस्किट का बना हुआ, तो चाय पियो आप खा सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये मशीन अभी आपको पटना में आप कोई भी कंपनी कोई भी जगह विजिट करोगे ये मशीन अभी आपको नहीं मिलेगी, और ये बिल्कुल नया है, नया है, बहुत नया, लेटेस्ट में ये मशीन आया। इसके अलावा, और मैं इसके अलावा आपको दिखाना चाहूंगी, ये हमारा पाउच पैकिंग मशीन हो गया, जिसमें आप कुरकुरे चिप्स वगैरह मसाला जो भी है एनीथिंग, वो आप हर चीज इसमें आप पैकिंग कर सकते हैं। पैकिंग की बात की जाए तो इतनी सारा प्रोडक्ट है ना मार्केट में कि आप कोई भी चीज इसमें पैक कर सकते हैं। हाँ। और मार्केट में बेचकर अच्छा पैसा हमारे पास मैनुअल से लेके ऑटोमेटिक तक का हमारे पास पाउच पैकिंग, मतलब बजट के हिसाब से आपने सारा जो मशीन हम लोग रखे हैं। ओके, इसके अलावा ये सब की बात, ये आपका आ गया सेवई मशीन। अच्छा, ये सेवई मशीन है ना, सेवई और नूडल्स दोनों, ये आपका बन जाएगा, दोनों इसी से बनेगा। इसका मैं प्राइस बताना चाहूंगी, ये भी आपका ज्यादा अमाउंट नहीं है, ये आपका बस 55,000 में आ जाएगा, मतलब 55,000 से आपको फुली ऑटोमेटिक मशीन नूडल्स मिलने वाली है। इसलिए मैं प्राइस बता रही हूँ ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि कैसे हमारा बजट है या नहीं, वो कंफ्यूज ना रहे। आप डायरेक्ट बात करें, हमारे ऑफिस आए, मशीन देखें, आप मशीन परचेज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, इधर की बात। और भी मैं ये मशीन दिखाना चाहूंगी, ये हमारा इसमें जो आप पैक देख रहे हैं, ये हमारा अगरबत्ती मशीन है, फुली ऑटोमेटिक। अच्छा, मतलब कि ये कहीं जाने के लिए रेडी है ना। हाँ, ये कहीं मशीन डिस्पैच होना है वहाँ के लिए आपका दिया हुआ है, डिस्पैच होने वाला है, तो ये जान लें कि आपको इसी तरह से पैक होकर जाएगा, पूरा सेफ्टी के साथ जाता है ना। सेफ्टी के साथ आपको यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग हो गया आपका, फिर इंस्टॉलेशन हो गया, ये सारा चीज आपको हमारी कंपनी से प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, रॉ मटेरियल, किसी भी मशीन की बात की जाए तो सभी का रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है यहाँ पे। जी बिल्कुल, ये सभी के बारे में बता देना। हाँ, और भी मैं मशीन कही तो कि जितना भी मैं मशीन बताऊं दिखाऊं वो कम ही पड़ जाएगा। ये हमारा आ गया आटा चक्की मशीन। आटा चक्की मशीन ये फुल्ली ऑटोमेटिक में आपका ब्लोअर के टाइप ब्लोअर के साथ है, जिसमें आपका आटा भी बनेगा, आटा के साथ साथ ये आपको आटे को ठंडे करके भी निकालेगी। ठीक है, ये आपका आटा चक्की मशीन हो गया, और ये भी आपका आटा चक्की मशीन हो गया, ये भी आपका 10 HP मोटर का है। और भी मशीन आप देख रहे हैं, ये हमारा धूप बत्ती मशीन है, ये हमारा अगरबत्ती है, ये सारा मशीन डिस्पैच, मतलब कि धूप बत्ती मशीन दोस्तों हर जगह पे मिलती भी नहीं है, तो ये दोस्तों यहाँ पे देखें, अगरबत्ती मशीन मिल जाएगी, बट धूप बत्ती बहुत कम जगह मिलता है। तो धूप बत्ती मशीन जो है ना वो भी यहाँ पे दोस्तों मिल जाएगा। इससे आपकी प्राइस क्या होती होगी मैम, धूप बत्ती मशीन की बात की जाए? देखिए, अगरबत्ती मशीन की मैं बात करूँ तो अगरबत्ती मशीन में भी हर तरह का रेंज होता है। मैनुअल में आपका आ गया जैसे 35,000 से लेके, उसमें आप ऑटोमेटिक पे जाते हैं तो वो आपका 80,000-85,000 से स्टार्ट है, धूप बत्ती पे जाते हैं तो वो आपका 1,00,000 से 1.5 लाख तक का आता है सर। और भी मैं आपको अपने वेयर हाउस पे लेके चलूंगी, वहाँ भी हमारा बहुत सारा मशीन है, बड़ी बड़ी मशीन, आप वहाँ तो वहाँ भी दिखाएंगे, वीडियो में बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली देख सकते हैं वेयर हाउस के अंदर आ गए हैं, और मैं बताएं यहाँ पे कौन कौन सी मशीन है। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, आप जो भी देख रहे हैं हमारा यहाँ सारा मशीन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं चारों तरफ सारा हमारा मशीन
अच्छा, बड़ी बड़ी मशीन, बड़ी से लेके छोटी मशीन, सारी मशीन लगी अच्छा, हुई है। मैंने अभी आपको दिखाया कि कम बजट का जो था मशीन वो मैंने दिखाया, यहाँ पे बड़े बड़े बजट के जो जिनके पास अच्छा पूंजी है और बड़े लेवल का काम करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको वो मशीन मिलेगी। कौन कौन सी मशीन है थोड़ा सा बता देना डिटेल्स में। जी मैंने आपको जो वहाँ अपने ऑफिस में जो मशीन दिखाया था वो हमारा कम बजट से कम पूंजी से आप मशीन आप परचेज कर सकते थे। यहाँ पे जो आप मशीन देख रहे हैं ये उससे हाई रेंज का, हर अलग अलग रेंज का मशीन है। थोड़ा सा बता, जैसे में आप देख सकते हैं ये आपका हो गया हाइड्रोलिक ब्रिक मेकिंग मशीन, जिससे ईंट बनाने वाली मशीन हो गया। दूसरा आपका हो गया ये आपका पेवर ब्लॉक मशीन है जिसमें इसका पूरा सेट आता है। तीसरा आप देख सकते हैं यहाँ हमारा सारा पेपर प्लेट मशीन लगा हुआ है। थोड़ा सा दिखाएं ना इधर से कितना ज्यादा सिर्फ क्वांटिटी में, बहुत सारा क्वांटिटी में। और भी मैं बता दूं ये हमारा मसाला मशीन है, आप देख सकते हैं ये हमारा आपका वायर नेल मशीन है, कील बनाने वाली मशीन। ठीक है, मतलब कि एक ही जगह पे बहुत सारी मशीन, बहुत सारी मशीन है। आप यहाँ पे देखेंगे इस मशीन के बारे में बताया मैं, ये मशीन आपका डिटर्जेंट पाउडर मशीन हो गया, ये केज मिल मशीन हो गया। ओके, जो सर्फ बनाकर निकालती है। ठीक अच्छा, है मतलब कि डिटर्जेंट पाउडर बनाना है तो ये मशीन आपको, ये आप ले सकते हैं जी। बहुत बढ़िया। इसके अलावा इधर इसके अलावा आप ये देख रहे हैं ये हमारा नोटबुक मशीन का सेटअप है, ये आपका स्पाइरल मशीन हो गया, ये कैरी बैग मशीन का पंचिंग मशीन हो गया, ये हमारा नोटबुक मशीन का आपका पिनिंग मशीन हो गया, ये आपका पेपर प्लेट में हाइड्रोलिक मशीन है। अच्छा इधर मैं देख रहा हूँ ये आपका पेपर कप मशीन हो गया सर, फुल्ली ऑटोमेटिक हाई स्पीड वाली पेपर कप मशीन, जिसमें हमारे पास अभी 3-4 क्वांटिटी में अभी मशीन है। आप मतलब कि हर एक तरह की वैरायटी है ना पेपर कप में भी, अलग अलग वैरायटी जो अलग अलग वैरायटी है सबका, आपका फुल्ली ऑटोमेटिक ही है सर। मतलब कि अंतर क्या होता है मैम प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का अंतर होता है भी, आपका पेपर प्लेट ही मशीन है ये, आपका वायर नेल मशीन में भी बहुत सारी मॉडल की आती है, आपका मिनिमम 2 लाख से स्टार्ट है, 2 लाख से आप 4 लाख 6 लाख तक का जा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे उसका पॉलिशिंग ड्रम मशीन हो गया जिसमें वायर को पॉलिश किया जाता है। मैं ऑयल एक्सपेलर मशीन भी दिखाना चाहूंगी जो अभी हमारे पास है, ये हमारा ऑयल एक्सपेलर का, ये आपका फिल्टर हो गया। इसका क्या काम होता है थोड़ा सा बता दें। ऑयल एक्सपेलर में जो आप तेल आप जो बनाते हैं मस्टर्ड ऑयल वगैरह जिससे तेल बनता है वो मशीन है ये हमारे तो पास। दोस्तों ये मतलब कि छोटे बजट से करना चाहते हैं तो इस तरह की मशीन आ जाएगी, अगर इसमें भी आपको बड़े ब्रांड की तरह बड़े लेवल का काम करना है तो वो भी आपको यहाँ पे मशीन पूरा सेट मिलेगा, यहाँ सेट मिलेगा है ना। आपका 1.5 लाख से इसमें स्टार्टिंग है ऑयल एक्सपेलर मशीन में भी। मैं प्राइस बताना चाहूँगा, ये हमारा नोटबुक मशीन का एज ए स्क्वायरिंग मशीन है जिसमें आपका बड़े बड़े मतलब कि जो लेवल का काम करते हैं उनके लिए। ये आपका पेपर प्लेट में आपका ये मल्टीपर्पस मशीन हो गया, देख सकते हैं मल्टीपर्पस हो गया जिसमें आप रिंकल डायमंड डाई हर टाइप का आप प्रोडक्शन कर सकते हैं जी। वैरायटी मतलब कि जो होती है पेपर प्लेट में वो, ये हमारा आ गया स्लीपर मशीन। स्लीपर मशीन जैसे कि आप हाइड्रोलिक मशीन, ये हो गया स्लीपर मशीन में जिसमें आप एक मशीन से आप पेपर प्लेट प्लस स्लीपर वगैरह ये सारा आप बना सकते हैं डाई चेंज करके। ओके, मतलब कि मशीन तो इतना सारा है कि वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारा स्लीपर मशीन ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेटिक जिसमें आप हाइड्रोलिक है ये आपका ऑटोमेटिक मशीन है। मतलब हमारे कंपनी में जो भी मशीन आप जो भी आपका रिक्वायरमेंट है ना, लघु उद्योग में जो भी लोग अपने बजट के हिसाब से रोजगार करना चाहते हैं वो सारा मशीन अवेलेबल है हमारी बहुत कंपनी। आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने क्वांटिटी में हमारे पास सारे मशीन है, आप चारों तरफ देख सकते हैं अभी हमारे पास स्टॉक में भी अवेलेबल है। बहुत बढ़िया, तो मशीन बहुत सारा है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं पीछे में स्टॉक बहुत सारा है। तो बस ये बोलेंगे दोस्तों कि आपको जानकारी चाहिए कि कौन सा आपके बजट के हिसाब से यहाँ पे मशीन है तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। मिनिमम दोस्तों 15,000 रुपये से मशीन स्टार्टिंग हो जाती है, 15,000 से कितना तक के लास्ट आपने बताया था मैम? मैंने आपको 10 लाख तक का बताया था, 10 लाख से ऊपर भी अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो उससे ऊपर वो भी मशीन मिल जाएगी। इसके लिए दोस्तों आपको पहले ऑर्डर देना होगा तभी वो मशीन आएगी, जो खास करके महंगी मशीन होती है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी मशीन है, बस आपको ये बोलेंगे कि आपका जो बजट है उस हिसाब से आप बिजनेस जरूर स्टार्ट करें, बाकी पूरा सपोर्ट रहता है, गाइड करते हैं लोग कैसे, मतलब कि सपोर्ट क्या रहता है आपको थोड़ा सा ये भी बता दें।
हाँ, हमारे कंपनी से अगर जो भी कस्टमर हमारी मशीन परचेज करना चाहते हैं तो उनको हमारी कंपनी की तरफ से प्लस, पहला तो आपका रॉ मटेरियल हो गया, चाहे आप कोई भी मशीन परचेज करिए, दूसरा आपका हो गया सर्विस में, सर्विस आपको फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट 1 ईयर तक का, तीसरा आपको ट्रेनिंग भी आपको दिया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सारा आपको हमारी कंपनी की तरफ से सपोर्ट किया जाएगा। बहुत बढ़िया। प्लस आपको अगर सेल में भी कहीं प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी आपको हम सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करते हैं जी। बाकी दोस्तों स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया, उस नंबर पे कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में यहाँ का एड्रेस भी मैंने दिया है, तो आप डायरेक्ट विजिट भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।